हेलो प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, 24 जनवरी 2020 से शनिदेव मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुला लग्न और तुला राशि के लिए समय कैसा रहेगा 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक। तुला लग्न और तुला राशि को क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुला राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही बड़ा राजयोग तुला राशि को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिन व्यक्तियों की तुला राशि है उनके शनिदेव फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, केंद्र में गोचर करेंगे और सस नामक राजयोग यहाँ पे उनका बनने वाला है। हालांकि आपको यहाँ पर शनि की ढैया आपकी यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी, तो अपनी कुंडली में आप शनिदेव की स्थिति जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे आपको परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कमी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यह समय आपकी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और फोर्थ हाउस से हम सारी सुख सुविधाओं के बारे में विचार करते हैं, लग्जरी लाइफ के बारे में विचार करते हैं, प्रॉपर्टी और वाहन के बारे में विचार करते हैं और माता का विचार भी हम फोर्थ हाउस से ही करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इस समय 24 जनवरी 2020 के बाद, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इन सुखों की प्राप्ति होगी। आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी। हाँ, हालांकि यहाँ पर आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है और आपका भी स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा बिगड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से फोर्थ हाउस से शनि की तीसरी दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, यानी कि सिक्स हाउस पर पड़ेगी, जहाँ से हम ऋण, रोग और शत्रु के बारे में विचार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़े से रोग भी लग सकते हैं और आपके यहाँ पर शत्रु भी हावी हो सकते हैं आपके ऊपर, यानी कि शत्रु हावी तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपके शत्रु यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा वो हावी नहीं रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, शनि की सातवीं दृष्टि आपके टेंथ हाउस पर पड़ेगी, जहां से हम कर्म के बारे में विचार करते हैं। तो दोस्तों, यह समय मैं कहूंगा तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टेंथ हाउस से हम कर्म के बारे में विचार करते हैं। जो भी हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सब हम टेंथ हाउस से देखते हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपके बहुत ही बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे केंद्र में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके शनिदेव सस नामक राजयोग बनाएंगे, जिसको हम पंच महापुरुष नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ आप अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति को भी जरूर देखें कि आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव में से शनिदेव कौन से भाव में विराजमान है और आपकी कुंडली कौन से लगन की है। आपके शनिदेव नीच के और पीड़ित नहीं होने चाहिए और पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, स्वग्रही होके बैठे हैं और वह बलवान होके बैठे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 30 साल बाद यह समय आ रहा है कि यह समय आपको सब कुछ प्रदान करेगा। उसके बाद दोस्तों, शनिदेव की दसवीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, तो दोस्तों आपको मान सम्मान यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलेगा, फेम मिलेगा। आप जो भी कार्य में हाथ डालोगे, आपको वहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी। इससे पहले आपको अपने मान सम्मान में, कार्य क्षेत्र में असफलता मिल रही थी, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, आप कोई भी काम कर रहे थे, कोई भी कार्य कर रहे थे तो आपको आलस्य हो रहा था, यानी कि आपके कार्य में आपका मन नहीं लग रहा था, आप अनसेटिस्फाइड थे अपने कार्य से। तो यह समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तुला राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बस मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि अपनी कुंडली का भी जरूर आकलन कीजिए, क्योंकि गोचर के साथ साथ हम अपनी कुंडली का भी आकलन करते हैं, क्योंकि तुला राशि तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों की होगी, एक जाने माने व्यक्ति की भी होगी और एक बहुत ही छोटे व्यक्ति की भी होगी। तो दोस्तों, हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि हमारी कुंडली के साथ साथ गोचर हमें क्या फल देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए कि आपका कौन से लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति बन रही है, कौन से भाव में वह विराजमान है। तो दोस्तों, आप खुश हो जाइए कि 24 जनवरी से आपका समय है बहुत अच्छा है, क्योंकि 24 जनवरी 2020 से शनिदेव फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और 22 मार्च से मंगल भी वहां पे गोचर करने लग जाएंगे और 29 मार्च से देवगुरु बृहस्पति भी आपके फोर्थ हाउस में गोचर करने लग जाएंगे, यानी कि शनिदेव वहां पे सस नामक राजयोग बनाएंगे और मंगल वहां पे रूचक योग बनाएंगे, मंगल वहां पे उच्च के हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर
आपको प्रॉपर्टी मिलने के 100% चांसेस हैं, वाहन आप यहाँ पे ले सकते हो, सुख सुविधाएं और लग्जरी लाइफ आपकी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया तुला राशि और तुला लगन के बारे में कि यह समय उनके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं 12 राशि और 12 लगन के लिए वीडियो बनाऊंगा कि शनि का गोचरफल उनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।